हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया यूनिट जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये एक ऐसा यूनिट है जहां पर आपको रीजनिंग क्वेश्चंस, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, हाइब्रिडाइजेशन जैसे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे और लास्ट में हम लोग सीएफटी जैसे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो बच्चों, आप अपने इस यूनिट को, जो नॉर्मली बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, अगर आप इस यूनिट को सिंपल बनाना चाहते हो तो हमारे इन 3 लेक्चर्स पे आपको पूरा फोकस करना है, जहां पर हम लोग लेक्चर नंबर 1 में पढ़ने वाले हैं आज बेसिक टर्मोलॉजीज, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जैसे टॉपिक्स आएंगे, लिगेंड्स आएंगे, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2, जहां हम नॉमेनक्लेचर और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे स्टडी अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो बेस है वो स्टार्ट होती है सिंपल कंपाउंड से। जैसे आप सबको पता है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जितने भी आपको कंपाउंड नजर आ रहे हैं, चाहे वो KCl हो, NaCl हो, H2SO4 हो, HCl हो, HBr हो, NH3 हो, H2O हो, ये सारे के सारे सिंपल कंपाउंड्स हैं। सिंपल कंपाउंड्स को जब आप मिला देते हो ना, तो सिंपल कंपाउंड्स के मिलने से जो एक नई कैटेगरी तैयार होती है, उस कैटेगरी का नाम है मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड। देखो, पहले बेस क्लियर करना जरूरी है, उसके बाद आते हैं कोऑर्डिनेशन पे। सिंपल कंपाउंड के मिलने से तैयार होता है मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड। मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड को हमने 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है, डिवाइड करा हुआ है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड को 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है, क्लासिफाई करा हुआ है। फर्स्ट पार्ट कहलाता है इसका डबल सॉल्ट। सेकंड पार्ट कहलाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जहां पर हम इस यूनिट के अंदर डबल सॉल्ट को तो स्टार्टिंग में पढ़ेंगे और उसके बाद इस पूरे यूनिट का 90% पोर्शन जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर बेस्ड है। समझ लेते हैं कि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। जैसा कि डबल सॉल्ट का नाम है कि इसमें 2 सॉल्ट्स होते हैं, तो डेफिनेटली इसमें 2 सॉल्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। पहला एग्जांपल है KCl.MgCl2.6H2O। इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास 2 सॉल्ट हैं। पहला सॉल्ट है KCl, सेकंड सॉल्ट है MgCl2, और ये जो पूरा कंपाउंड बना है, इस पूरे कंपाउंड का नाम है कैरनेलाइट। आप नोट जरूर करना, इसका नाम है कैरनेलाइट, CARNALITE। कैरनेलाइट बिलोंग्स टू डबल सॉल्ट। सेकंड एग्जांपल है फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसे हम लोग मोहर सॉल्ट कहते हैं, जहां पर पहला सॉल्ट है फेरस सल्फेट, सेकंड सॉल्ट है अमोनियम सल्फेट। तो बच्चों, ये जो सॉल्ट आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे एग्जांपल्स डबल सॉल्ट की फैमिली के हैं। डबल सॉल्ट की एक खासियत है कि जब डबल सॉल्ट को आप वाटर में मिलाओगे तो ये कंप्लीटली आयंस में ब्रेक हो जाएगा। जितने आयंस हैं, सारे के सारे आयंस सेपरेट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम कैरनेलाइट को वाटर में मिलाते हैं तो सारे पोटेशियम अलग हो जाएंगे, क्लोरीन अलग हो जाएंगे, मैग्नीशियम Mg+2 बनकर अलग हो जाएंगे। तो डबल सॉल्ट वो ऑर्गेनिक, वो कंपाउंड कहलाते हैं, वो मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड कहलाते हैं, जो सिंपल कंपाउंड के मिलने से बने हैं, जिनके फॉर्मूले में 2 सॉल्ट्स हैं और ये ब्रेक होकर कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। बच्चों, इनका नाम लिखना, पहला कंपाउंड है कैरनेलाइट, सेकंड डबल सॉल्ट है मोहर सॉल्ट, थर्ड वाला है एलम, फिट करिए। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डबल सॉल्ट की तरह कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा K4FeCN6, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड है जो सिंपल कंपाउंड के मिलने से तो बना है, लेकिन जब इसे आप आयनाइज करते हो तो ये कंप्लीटली आयनाइज कभी भी नहीं होता। जैसे अगर मैं इस कंपाउंड को आयनाइज करूंगा तो स्क्वायर ब्रेकेट के पहले या स्क्वायर ब्रेकेट के आगे अगर कोई चीज है वो तो अलग हो जाएगी, जैसे 4 पोटेशियम आयन अलग हो जाएंगे, और ये स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रहेगा और ये सिंगल रहेगा। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी मेटल या उसके साथ जो ग्रुप्स हैं वो कभी भी सेपरेट नहीं होते। तो बच्चों, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की खासियत है कि ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता। ब्रैकेट के पहले आगे वाली चीज तो अलग हो जाती है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर की स्पीशीज सेम रहती है और वो कभी भी नहीं बदलती। चलिए और भी कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। तो यहां पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि आप ये एग्जाम्पल देख लो, इस एग्जाम्पल में आपके हिसाब से क्या ये एग्जाम्पल कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा या नहीं होगा? तो करेक्ट आंसर है कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा। सोडियम आयन जो ब्रेकेट से पहले लिखा है वो अलग हो जाएगा,
और स्क्वायर ब्रेकेट अपने आप में एक सिंगल आयन बन जाएगा, और ब्रेकेट से आपने सोडियम सिंगल अलग करा तो उस पर सिंगल नेगेटिव आएगा, डबल सोडियम अलग करते तो डबल नेगेटिव आता, ट्रिपल अलग करते तो ट्रिपल नेगेटिव आता। टोटल नंबर ऑफ आयन्स इसने दिए 1 सोडियम और 1 ब्रेकेट, मतलब टोटल 2 आयन्स में ब्रेक हुआ। सिमिलरली इस कंपाउंड को अगर आप देखो तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड जब ब्रेक हुआ तो इस कंपाउंड ने टोटल दिए 5 आयन्स, 4 पोटेशियम और 1 ब्रैकेट, मतलब टोटल इस कंपाउंड ने दिए हम लोगों को 5 आयन्स। आई होप आप लोगों को मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड के बारे में तो समझ में आ गया होगा। ये 2 टाइप्स का है, एक कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है डबल सॉल्ट, और जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सबसे अहम टॉपिक, सबसे स्पेशल टॉपिक जिसे हम लोग बोलते हैं बेसिक टर्मोलॉजी, क्योंकि आपको इस यूनिट का कोई भी क्वेश्चन करना है और अगर आपको बेसिक टर्मोलॉजी पता नहीं है तो यार आप यहां पर रुक जाओगे। चलिए वन बाय वन मैं आपको बहुत कम टाइम में इसकी एक एक बेसिक टर्मोलॉजी पढ़ा देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखो बच्चों, मॉडर्न टर्म में, मॉडर्न पैटर्न में जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखा जाता है ना, तो भाई लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट को ही हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कभी भी आपसे इसकी डेफिनेशन नहीं पूछेगा एग्जामिनर, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है वही कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग जो चीज लिखते हैं उसमें आता है, पहले तो आता है मेटल, मतलब इस फॉर्मूले में ये Fe तो है मेटल, और मेटल के अलावा जो भी आप लिखते हो वो कहलाता है लिगेंड। क्या कहलाता है वो? लिगेंड। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा लिगेंड क्या होता है। तो इस पूरे फॉर्मूले के अंदर, यहां पर मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं, इस कंप्लीट फॉर्मूले के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट का नाम है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। Fe जो है वो मेटल है, यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट को कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। Fe तो एक मेटल है और CN है यहां पर लिगेंड, मतलब मेटल के साथ जो भी इस स्क्वायर ब्रैकेट की बाउंड्री के अंदर आ जाएगा ना वो लिगेंड कहलाएगा। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि सर सबका नाम तो बता दिया, पोटेशियम क्या कर रहा है यहां, पोटेशियम को क्या कहते हैं? तो जो भी चीज स्क्वायर ब्रैकेट के आगे हो या स्क्वायर ब्रैकेट के पहले हो उसे कहते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। यहां पर वर्ड आयनाइजेशन स्फीयर इसलिए यूज करा जाता है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के पहले या आगे वाली चीज ही है जो आयनाइज हो सकती है, मतलब अलग हो सकती है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल और लिगेंड कभी भी अलग नहीं होता। और एक बात का ख्याल रखना आप लोग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कैसा चार्ज है उस हिसाब से कंपाउंड को क्लासिफाई भी करा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। पहले एग्जांपल में स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव चार्ज है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो बच्चों ये पूरा का पूरा फॉर्मूला कहलाएगा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव चार्ज है तो ये कंप्लीट फॉर्मूला कहलाएगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई चार्ज नहीं है तो वो कहलाएगा नॉन आयनिक या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। रिमेंबर, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई चार्ज नहीं है तो ये कहलाएगा नॉन आयनिक या फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। बड़ी सीधी सीधी बात है। अब यहां पर मैं आप लोगों को जो सेकंड टर्म पढ़ाने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और सेकंड टर्म का नाम है लिगेंड। बच्चों इसे आईएमपी कर लेना। लिगेंड का मतलब होता है वो स्पीशीज जिस पे या तो नेगेटिव चार्ज होता है या न्यूट्रल, या नेगेटिव या न्यूट्रल, और इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये अपना लोन पेयर मेटल को डोनेट करता है, कहता है भाई मुझे अपने साथ जोड़ लो, तो मेटल अपने साथ जोड़ने के लिए मांगता है लोन पेयर। तो लिगेंड अपना लोन पेयर देगा, मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, और कौन सा बॉन्ड बनाएगा? मेटल के साथ बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वो केमिकल स्पीशीज जो अपना लोन पेयर उठाकर मेटल को डोनेट कर देती है और मेटल से बनाती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उस केमिकल स्पीशीज को हम लोग लिगेंड कहते हैं। अब लिगेंड की खास बात क्या है तो आप जरा समझो। जैसे हम देखते हैं NH3 या H2O, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आगे मैं बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूं, टेबल बनवाऊंगा आप लोगों को। अगर हम NH3 का एग्जांपल देखें तो NH3 में फॉर्मूले में 4 एटम्स आपको दिख रहे हैं, 4 एटम्स, 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन, लेकिन 4 एटम में से डोनेट करने का काम सिर्फ नाइट्रोजन कर रहा है। लोन पेयर डोनेट कौन कर रहा है? नाइट्रोजन। H2O के अंदर 3 एटम्स दिख रहे हैं लेकिन लोन पेयर डोनेट कौन कर रहा है? तो भाई कर रहा है ऑक्सीजन। तो लिगेंड के फॉर्मूले में एक या एक से ज्यादा होता है डोनर एटम। क्या होता है? डोनर एटम। और जितने डोनर एटम होते हैं उसी को कहते हैं डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। ये आपके लिए मैंने लिखा हुआ है, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। हमारी NCERT के अंदर भी क्वेश्चन है और हमारे बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन डेंटिसिटी। अब डेंटिसिटी क्या होती है? किसी भी लिगेंड के पास जितने डोनर एटम है वो उसकी डेंटिसिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी लिगेंड के पास सिंगल डोनर एटम है तो वो कहलाएगा मोनोडेंटेट लिगेंड।
अगर कहीं डबल डोनर एटम है तो बाइडेंटेट, ट्रिपल डोनर एटम है ट्राइडेंटेट, चार डोनर एटम है टेट्राडेंटेट, फाइव डोनर एटम है पेंटा, सिक्स है तो हेक्सा। तो बच्चों ये कहलाती है डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, और डेंटिसिटी को आपको याद करना है, लेकिन थ्योरी से काम थोड़ी चलेगा, इसकी टेबल याद करना है। और आप लोगों के लिए मैंने टेबल भी बनाई हुई है, आप देख सकते हो। सबसे पहले ये सारे एग्जांपल्स हैं मोनोडेंटेट के, तो आप ऊपर लिख लेना मोनोडेंटेट। आपको लिगेंड का सिंबल मतलब उसका फॉर्मूला, उसका नाम, चार्ज और डेंटिसिटी याद करना है। देखो बच्चों, CN नेगेटिव को साइनाइड आयन कहते हैं, लेकिन जब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है, लिगेंड का काम करता है, तो हम बोलते हैं साइनाइडो या साइनो। NC को कहते हैं आइसोसाइनाइडो या आइसोसाइनो। SCN को कहते हैं थायोसाइनेटो। आप नोटिस करो जहां माइनस चार्ज है नाम में लास्ट में ओ आता है। NO2 को नाइट्रो या नाइट्रो N भी कहा जाता है। फिर इसके बाद ONO, ONO जो है वो NO2 का ही वर्जन है, तो ONO को नाइट्रो ओ या नाइट्राइटो बोला जाता है। यह आपके सामने सारे लिगेंड्स हैं। इनमें स्पेशल बात यह है कि NH3 को आप देख सकते हो, वैसे NH3 को हम अमोनिया कहते हैं, लेकिन जब ये लिगेंड बनता है तो इसका नाम होता है अमाइन, ए डबल एम आई एन ई, अमाइन, स्पेलिंग में डबल एम आता है। और जब H2O लिगेंड बनता है तो H2O को वाटर कहते हैं, लेकिन भाई H2O जब लिगेंड बन जाएगा ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, तो उसको कहते हैं एक्वा। PH3 को फॉस्फीन कहते हैं, तो ये कोई स्पेशल बात नहीं है। तो बच्चों ये सारे एग्जांपल्स आपको जो मैंने बताया, ये मोनोडेंटेट के एग्जांपल्स थे। अब आते हैं बाइडेंटेट पर। बाइडेंटेट का पहला एग्जांपल, और इससे आपको एक नई बात सीखने को मिलेगी कि बाइडेंटेट के लिए कई बार शॉर्ट टर्म का एग्जामिनर यूज करता है, जैसे EN। तो EN क्या होता है? EN होता है इथाइलीन डायामाइन। इसे कई बुक्स में ईथेन 1,2 डायामाइन भी लिखा हुआ है, तो वो भी सही है, ईथेन 1,2 डायामाइन या इथाइलीन डायामाइन। इसी तरह COO नेगेटिव, COO नेगेटिव इसे कहते हैं ऑक्सिलेटो, और ऑक्सिलेटो पे चार्ज होता है -2, डेंटिसिटी होती है बाइडेंटेट। इस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं डायमिथाइल ग्लायोक्सीन, डायमिथाइल ग्लायोक्साइन। लेकिन जब ये लिगेंड बनेगा ना, तो हम इसके नाम में ओ लगा देंगे, तो नाम हो जाएगा डायमिथाइल ग्लायोक्सीमेटो डिनोटेड बाय डीएमजी, चार्ज होता है -1। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो पे भी चार्ज आता है -1। अच्छा, यहां डोनर एटम कौन कौन से हैं? तो एक डोनर एटम ऑक्सीजन है और अगला डोनर एटम नाइट्रोजन है। ग्लाइसिनेटो में एक डोनर एटम ऑक्सीजन है और अगला डोनर एटम नाइट्रोजन है। फिर ये आपके लिए हेक्साडेंटेट बहुत स्पेशल है बच्चों, बहुत स्पेशल है। इसका नाम है इथाइलीन डायामाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। लेकिन जब ये लिगेंड बनेगा, तो क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोग इसे बोलेंगे इथाइलीन डायामाइन टेट्रा एसिटेटो, नाम में ओ आ जाएगा। टोटल चार्ज इसका 4 है, -4, और इसको डिनोट करा जाता है EDTA से, और ये है हेक्साडेंटेट लिगेंड। इसमें कितने डोनर एटम्स हैं? तो आप देख सकते हो, ये कॉर्नर वाले सारे ऑक्सीजन डोनर हैं, बीच के नाइट्रोजन भी डोनर हैं, तो आप काउंट कर लेना, टोटल आते हैं 6 डोनर एटम। इसलिए EDTA को हमने रखा है हेक्साडेंटेट की फैमिली में। बच्चों ये टेबल मैंने आपके लिए बनाई है, सारे सिलेक्टेड बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल रखे हैं, तो आप इसे नोट करना। अच्छा, हैलोजन्स को तो पता ही है ना, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, सिंपल है, तो आप इसे नोट करना बच्चों। और इसे नोट करके आप लोग आगे बढ़ो, फिर हम अगले टॉपिक्स पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो इस चैप्टर के नॉमेनक्लेचर में तो 100% यूज होता ही होता है, साथ में आप VBT पढ़ोगे वहां पर भी यूज होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? तो देखो यार, तुमने क्लास 11th में जो ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा था ना, ये बिल्कुल वैसे ही है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है इट इज एन इलेक्ट्रिकल चार्ज विच इज डेवलप ऑन मेटल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बॉन्डेड ग्रुप्स और लिगेंड्स। लिगेंड या बॉन्डेड ग्रुप्स की वजह से या उसके पड़ोसियों की वजह से, मेटल के पड़ोसियों की वजह से मेटल पे जो चार्ज आता है उसे ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। अब मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का बड़ा सिंपल मेथड बता रहा हूं, आप सभी लोग बिल्कुल फोकस के साथ इस मेथड को सीख लेना, आपका कभी कोई कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहला हम सभी का फेवरेट एग्जांपल K4FeCN6। तो K4FeCN6 में आप देख सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी कुछ है, मेटल भी है, मेटल के साथ लिगेंड भी है, और आप देख सकते हैं कि मेटल यहां पर
सिंगल है तो सिंगल मेटल को हम मानेंगे x, अगर टू मेटल होते तो 2x, 3 होते तो 3x। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो दिख रहा है आपको वो है पोटेशियम। ब्रैकेट के बाहर वाले पर जनरली ब्रैकेट के पहले जो होता है ना, पहले बिफोर ब्रैकेट, उस पे प्लस वन होता है। तो पोटेशियम पे प्लस वन होगा, चार पोटेशियम पे होगा, टोटल प्लस फोर। एक पर प्लस वन है तो चार पर प्लस फोर। सिमिलरली अभी हमने लिगेंड की सीरीज आपने देखी, तो लिगेंड की सीरीज में आपने देखा कि CN पे चार्ज होता है माइनस वन। दिखेगा नहीं लेकिन मानना है आपको CN पे चार्ज है नेगेटिव माइनस वन। तो एक CN पे माइनस वन है बच्चों, तो सिक्स CN पे है माइनस वन इंटू सिक्स, दैट इज माइनस सिक्स। आपने सबको लिख दिया, इक्वल का साइन लगाओ। इक्वल का साइन लगाने के बाद इस जगह देखना क्या आपको कोई प्लस माइनस दिख रहा है। तो फिलहाल तो कोई प्लस या माइनस नहीं दिख रहा, नहीं है मतलब जीरो है। इधर के चार्ज को इक्वल के आगे लिखते हैं, ठीक है। फाइनली माइनस सिक्स और प्लस फोर होगा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू प्लस टू। तो बच्चों इस कंपाउंड के अंदर आयरन पे जो चार्ज है वो है प्लस टू। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हमें फॉर एग्जांपल यहां पर एक कंपाउंड दिया है पीटीसीएल सिक्स टू दी पावर माइनस टू। तो यहां पर मेटल है प्लेटिनम, प्लेटिनम के पड़ोस में लिगेंड बैठा हुआ है क्लोरीन। तो प्लेटिनम सिंगल है, आप एक्स मानोगे, क्लोरीन पे माइनस वन होता है, माइनस वन इंटू सिक्स होगा माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू यहां का चार्ज। बेटा ब्रैकेट के बाहर कितना चार्ज है, माइनस टू है। उस माइनस सिक्स को आरएचएस में भेजोगे तो उधर जाकर माइनस सिक्स हो जाएगा प्लस सिक्स। माइनस टू प्लस सिक्स का मतलब होता है प्लस फोर। तो एक्स बराबर प्लस फोर, तो प्लेटिनम पे जो चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर है वो है प्लस फोर। तो बच्चों याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर इसे कहा जाता है। और ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन नंबर हर बार प्लस में आए, कभी कभी जीरो माइनस भी आता है। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने एग्जांपल लिया है, ये कोबाल्ट मेटल है और ये कार्बोनाइल है। कार्बोनाइल इज अ न्यूट्रल लिगेंड जिस पे जीरो चार्ज होता है। तो कार्बोनाइल पे जीरो चार्ज है, कोबाल्ट का चार्ज निकालना है। कोबाल्ट को आपने एक्स मान लिया, कार्बोनाइल पे जीरो चार्ज है। बट बच्चों जीरो इंटू फोर तो जीरो ही होता है। अब इक्वल का साइन लगा के ब्रैकेट के ऊपर का चार्ज लिख दो। ब्रैकेट के ऊपर का चार्ज है माइनस वन, मतलब यहां एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन। कोबाल्ट पे माइनस वन चार्ज है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर मेटल है निकल, निकल का चार्ज निकालना है। निकल के पड़ोस में है कार्बोनाइल, तो कार्बोनाइल पे जीरो चार्ज होता है। जीरो इंटू फोर होता है जीरो इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के ऊपर भी कुछ नहीं है, मतलब जीरो, हर तरफ जीरो ही जीरो। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकल का आता है जीरो। तो बच्चों ये कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अगर क्लियर हुआ है तो आप जरूर इसे प्रैक्टिस करो और एक एग्जाम्पल आप लोग मेरी तरफ से सॉल्व करो। वो एग्जाम्पल है, ये मैंने आप लोगों को दो एग्जाम्पल दिए हैं, तो बच्चों आप इसे जरूर ट्राई करो। रिमेंबर ऑक्सीडेशन नंबर हम सिर्फ मेटल का निकालते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन नंबर पर। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर ही पता नहीं होगा तो आइसोमेरिज्म कैसे करोगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर फोर वाला है या सिक्स वाला है। तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, चाहे एक लिगेंड हो या अलग अलग तरह के लिगेंड हो। मेटल के सारे लिगेंड के साथ जितने बॉन्ड होते हैं उन टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कई लोग गलत डेफिनेशन पढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है टोटल लिगेंड, ये गलत बात है। टोटल लिगेंड नहीं, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, लिगेंड मल्टीप्लाई बाय डेंटिसिटी प्लस अदर टाइप का लिगेंड उसकी डेंटिसिटी प्लस थर्ड टाइप का लिगेंड उसकी डेंटिसिटी एंड सो ऑन। तो लिगेंड मल्टीप्लाई बाय डेंटिसिटी अगर आपने कर दिया तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। लेकिन मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आपको तभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है NiCl6 टू दी पावर माइनस फोर। तो मेटल यहां पर है निकल, निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे और यहां पर लिगेंड है क्लोरीन, क्लोरीन इज अ मोनोडेंटेट। तो भाई अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए तो हमने नंबर ऑफ क्लोरीन देखे सिक्स, मल्टीप्लाई बाय डेंटिसिटी कर दिया वन क्योंकि मोनोडेंटेट है। तो आंसर आ गया टोटल यहां पर सिक्स। सिक्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, किसका कोऑर्डिनेशन नंबर, मेटल का लिगेंड। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूं NiDMG का होल ट्वाइस। आप देख सकते हो मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिखा है NiDMG का होल ट्वाइस। बच्चों DMG इज अ
बाइडेंटेट लिगेंड, डाइमिथाइल ग्लायोक्सिमेटो बाइडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो मैं करूंगा ये, जब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूंगा तो नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाई बाय डेंटिसिटी, बेटा डेंटिसिटी 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, आंसर आ गया 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, यहां निकल गया, यहां आ गया 4, सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाई बाय डेंटिसिटी कर देना है। चलो और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर इस कंपाउंड के अंदर हमें कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है और हमारे पास पहला लिगेंड है EN, EN इज अ बाइडेंटेट लिगेंड और NH3 इज अ मोनोडेंटेट और NO2 भी जो है वो भी मोनोडेंटेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग लिगेंड्स हैं तो सबको सबके नंबर मल्टीप्लाई बाय डेंटिसिटी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब मैं निकालूंगा, पहला लिगेंड है EN, EN टोटल 2 है तो आपने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय डेंटिसिटी, डेंटिसिटी भी 2 है, प्लस सेकंड लिगेंड NH3 है, NH3 1 है और उसकी डेंटिसिटी भी 1 है, थर्ड लिगेंड NO2 है उसकी डेंटिसिटी भी 1 है, तो टोटल आप जब करोगे 2 2s are 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, करेक्ट आंसर आ गया यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो बच्चों ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत सिंपल है अगर आपने सीख लिया तो, बस आपको डेंटिसिटी याद करना पड़ेगी टेबल में से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट। देखो होता क्या है, जब कभी मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है तो मेटल लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, मेटल के पास खुद के इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड से भी ले लिए तो अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, बॉन्ड बनाते वक्त कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इलेक्ट्रॉन कितने लिए कितने लूज करे उसके बाद, लेने और देने के बाद मतलब एक्सेप्ट और डोनेट करने के बाद जो टोटल इलेक्ट्रॉन मेटल पर बचते हैं उन टोटल इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं हम उन्हें, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था सिडविक ने, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का एक बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल मल्टीप्लाई बाय 2। चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसा कि आप सभी लोग ये एग्जांपल देख सकते हो, इस एग्जांपल के अंदर मेटल हमारे पास आयरन है, इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो मेटल है वो मेटल है आयरन, Fe और Fe के पड़ोस में आप देख सकते हो पोटेशियम और CN सब कुछ है। अब मुझे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है तो बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं एटॉमिक नंबर लिखूंगा आयरन का, दैट इज 26, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर जब आप निकालोगे तो आएगा +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, कोऑर्डिनेशन नंबर आयरन का आएगा 6 और 6 × 2, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जो भी आएगा मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2। अब आप जब इसे कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर आपका क्या आंसर आ रहा है, क्या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका टोटल आंसर यहां पर आ जाएगा 24, क्योंकि 26 − 2 = 24 + 12 = 36, और अगर इसका एटॉमिक नंबर टोटल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आ गया मतलब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर चुका है। तो बच्चों ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। चलिए एक एग्जांपल मैं आप लोगों से पूछता हूं, CONH3 का होल थ्राई CL3, आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, और याद रखना सारे नंबर जो होते हैं वो मेटल के होते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये सारे नंबर किसके लिए निकालते हैं, मेटल के लिए। अब आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर, तो भाई डी ब्लॉक पढ़ लो जल्दी से, एटॉमिक नंबर याद होना जरूरी है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर देखोगे आएगा +3, कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका 6 3 और 3 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 24 24 + 12, अगेन आंसर आ गया 36, इसने भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करी। लेकिन बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आंसर 36 ही आए, आंसर कुछ भी आ सकता है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों फाइनली आज के इस लेक्चर को हम लोग कंप्लीट करते हैं, आप लोग लिगेंड्स को याद करो, उनकी डेंटिसिटी और चार्ज को याद करो, जिससे आपका ये टॉपिक हो जाए बहुत 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 स्ट्रॉन्ग। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी, नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें।